ब्रॉट टू यू बाय एजिलस डायग्नोस्टिक्स। हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। और उसको देख रहे हैं, इलेक्शन कमीशन का इंतजार है कि क्या बात। तो कितनी सीटों पे आपने शिकायत की है अभी? शायद ईवीएम में गड़बड़ थी या क्या और कारण रहे? तो बाद में की है हम कि शैलजा जी को थोड़ा सा पीछे हटना, इतनी बड़ी दलित नेता लेकिन टिकटों के मामले में भी ऐसा किया गया, उसके बाद भी थोड़ी दूरी बनाई रखी, कहीं ना कहीं उसका खमियाजा कांग्रेस को उठाना पड़ा। ध्यान रहेगा कि संगठन को द्वारा मजबूत किया जाए, संगठन को द्वारा बनाया जाए, क्या क्या आगे करने जा रहे हैं। हमारे साथ हैं सिरसा की सांसद कुमारी शैलजा। वर्तमान परिपेक्ष में मतगणना हो चुकी, सरकार नहीं बनने जा रही है, उसी पर बात करते हैं। सारे एग्जिट पोल कुछ बता रहे थे, सर्वे कुछ बता रहे थे, लेकिन नतीजे कुछ हो रहे हैं। बिल्कुल, हमारी पार्टी ने इसको टेकअप भी किया है इलेक्शन कमीशन से और उसको देख रहे हैं, इलेक्शन कमीशन का इंतजार है कि क्या बात। तो कितनी सीटों पे आपने शिकायत की है अभी? शायद ईवीएम में गड़बड़ थी या क्या और कारण रहे? तो बाद में की है हमने और एग्जैक्ट नंबर मुझे भी ध्यान नहीं, लेकिन काफी सीटों से जो हमें शिकायतें आई थी उसको पार्टी ने टेकअप किया है इलेक्शन कमीशन से। चुनाव आयोग को शिकायतें तो ठीक है, लेकिन फिर भी पार्टी के आला कमान ने, नेताओं ने, सबने आत्ममंथन किया होगा, क्या कारण रहे? ये चल रहा है, एक दिन में तो नहीं होता, फील्ड से भी रिपोर्ट्स ली जा रही हैं और नेताओं से भी बातचीत हो रही है। बिल्कुल इसको देखेंगे और हाईकमान इसको देख भी रहा है और सभी पहलुओं को देखकर हाईकमान विचार करेगा। क्या कारण रहे? क्या बीजेपी ने उस एरिया में ओबीसी कार्ड खेला, जातिगत समीकरण? वही मैं कह रही हूँ, आज के दिन मैं अकेली कोई एक कारण बता दूँ, कारण कई हैं और उन सब का विश्लेषण पार्टी करेगी और उस सब पर मंथन करेगी। हाईकमान बहुत तरफ से इसके बारे में फीडबैक ले रहा है। शैलजा जी, कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश में इस बात की चर्चा है कि शैलजा जी को थोड़ा सा पीछे हटना, इतनी बड़ी दलित नेता लेकिन टिकटों के मामले में भी ऐसा किया गया, उसके बाद भी थोड़ी दूरी बनाई रखी, कहीं ना कहीं उसका खमियाजा कांग्रेस को उठाना पड़ा। देखो, इन बातों में जाने का कोई महत्व नहीं है, इन बातों को छोड़ें और आगे के लिए हम पार्टी को कैसे मजबूत करेंगे और सब चीजों को हाईकमान देखेगा और सब आगे मिलकर काम करें। जी, अब ध्यान रहेगा कि संगठन को द्वारा मजबूत किया जाए, संगठन को द्वारा बनाया जाए, क्या क्या आगे करने जा रहे हैं? बिल्कुल, ये चीजें हैं, संगठन को मजबूत करना एक बहुत ही हर बात से, हर तरह से एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, जो एक कमी रही है हमारी पिछले कई सालों से, लेकिन अब इस चीज को पूरा करेंगे आने वाले समय में। सबसे बातचीत करके हाईकमान इसको देखेगा जरूर। महाराष्ट्र और दिल्ली के चुनाव आने वाले हैं, हरियाणा का असर उन पे पड़ेगा? देखो, हर स्टेट की अलग स्थिति होती है और अब महाराष्ट्र है, दिल्ली है, झारखंड है और जैसे भी समय के साथ साथ बाई इलेक्शंस भी आने हैं, तो कई चीजें हैं, हर जगह देखकर और पूरे गंभीरता के साथ पार्टी फैसला करेगी। कई जगह जैसे अलायंस भी हैं, उनके साथ भी पार्टी की बातचीत है, तो ये एक अलग स्तर की बात है। चुनाव लेकिन हम लड़ें और सब मिलकर लड़ें। आप अलायंस की बात कर रहे हैं, यहाँ भी अगर अलायंस होता है शायद नतीजे कुछ और होते? देखिए, बाद में अगर मगर में कुछ नहीं रखा, तो बाद की बातें रह जाती हैं, उस समय जो था फैसला लिया गया। लेकिन मैडम, यहाँ से जो सबक लेंगे वो महाराष्ट्र में उसका असर आएगा? आप तो झारखंड की, उन कई प्रदेशों की प्रभारी रह चुकी हैं। जैसा मैंने कहा, हर राज्य की स्थिति अलग होती है, महाराष्ट्र में कई हमारे पार्टनर हैं, तो आप देख ही रहे हैं कि उनके साथ काफी सीटों पर बातचीत हो भी गई है, कुछ बच्चे हैं उन पर भी हो जाएगा और फिर अच्छे से मिलकर अलायंस चुनाव लड़ेगा। और प्रदेश के लिए क्या कहना चाहेंगे? प्रदेश में अब देखो, नई सरकार बनी है, उनको तो हम बधाई देंगे, लेकिन हम ये समझेंगे कि और उनसे उम्मीद करेंगे कि जो पिछले 10 साल में जो कमियां रही हैं उनको वो पूरा करें। अभी आज के दिन सबसे ज्वलंत मुद्दा किसानों का आप देख रहे हैं, मंडियों में जो हाल हो रहा है वो है, उसके अलावा जो गरीब को और आम नागरिक को छू रही हैं बातें, चाहे परिवार पहचान पत्र की बात करें या और उसी तरह से बेरोजगारी की बात है, बहुत बड़ा मुद्दा है, इन सब पर सरकार ध्यान दे और आगे
प्रदेश को आगे लेकर जाएं। तीसरी बार मैंडेट मिला है और ये कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन हरियाणा के लोगों को आगे भी नजर आना चाहिए, युवाओं को आगे नजर आना चाहिए, अपना अच्छा भविष्य दिखना चाहिए और हमारा राज्य आगे विकास करे। केंद्र में इनकी सरकार है, पहले भी थी, तो हरियाणा को पिछड़ना नहीं, आगे बढ़ना है। तो इसी के साथ सैनी जी को ये नसीहत देंगे कि पिछले दिनों उन्होंने बड़ी अनाउंसमेंट की थी इलेक्शन को लेके, तो अपनी अनाउंसमेंट्स वो पूरी करें, जल्द पूरा करें, क्योंकि लोगों की उम्मीदें बहुत जागी हैं और आपने बहुत से वायदे किए हैं, उन वायदों को पूरा करें, लोगों की नजरों में नजर आए, लोगों को दिखे कि भाई आपने जो कहा वो आप पूरा कर रहे हैं। आप सिरसा के सांसद हैं, सिरसा की बहुत बड़ी समस्या है मेडिकल कॉलेज, तो आपका भी प्रयास रहेगा, आपने रेलवे का विस्तार भी बहुत करवाया कि अब मेडिकल कॉलेज भी बन सके। देखिए बात यह है कि हमारे से और हमारे साथियों से, हमारे विधायक हैं, जीत कर आए हैं, सबका यही प्रयास है और उम्मीद है कि सरकार सबके साथ कोऑपरेट करेगी इलाके के लिए। पहली बार पिछड़ गया, क्यों मेडिकल कॉलेज यहाँ नहीं बना, क्या इनकी आपसी राजनीतिक बातें थी जी। जो प्रॉमिस हुआ वो तो डिलीवर होना चाहिए था 10 साल में, वो हुआ नहीं। आगे हम उम्मीद करेंगे कि सरकार कोऑपरेट करेगी और पूरे सिरसा के लोगों को आगे बढ़ाने में पूरा सरकार आगे बढ़े, हमारा सबका तो सहयोग रहेगा। शैलजा जी, सिरसा में उस टाइम ब्रॉड गेज का किसी ने नाम भी नहीं सुना था जब आपने रेलवे का विस्तार करवाया था, अब एज ए सांसद और आपके क्या क्या प्रयास हैं सिरसा जिला के लिए? हम बहुत चाहते थे हमारी सरकार बनती तो बहुत कुछ हम सिरसा को आगे ले जाना चाहते। वही मैंने कहा कि हमारी ओर से जो सहयोग होगा सिरसा के विकास के लिए वो हम करेंगे, लेकिन हम ये भी उम्मीद करेंगे सरकार से कि सिरसा के साथ कोई भेदभाव ना हो और जो पिछले भी लंबित हमारे काम बचे हुए हैं उनको वो शीघ्र पूरा करें और आगे के लिए भी वो कार्य करें और पूरी शक्ति से भी काम हो, क्योंकि नशे का हमने ये बहुत एक बड़ा मुद्दा है यहाँ का जो हमने उठाया भी, और सरकार को खुद भी सोचना चाहिए हमारे बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए। तो बहुत सी बातें जो भी हैं हम उचित स्तर पर, चाहे केंद्र में हो या राज्य में हो, हम उठाएंगे। आपने बहुत बढ़िया बात कही, सिरसा नशाखोरी से पीड़ित है, बस लास्ट जी नशाखोरी से पीड़ित है, नशाखोरी को बंद करवाने के लिए। जी बिल्कुल, इसमें देखो प्रशासन को और शासन को दोनों को बीड़ा उठाना पड़ता है, सख्ती करनी पड़ती है और इसके लिए पूरी प्लान तैयार करनी पड़ती है, इसको बहुत गंभीरता से लेना होगा और यही हम चाहेंगे। ये थी कुमारी शैलजा, जिन्होंने कहा कि सिरसा में जो बड़ी समस्या नशाखोरी की है उसको दूर करवाने के लिए वो प्रयास करेंगी। हरियाणा तक के लिए सिरसा से बलजीत सिंह।